चलिए अब बात करते हैं बिग स्टॉक्स की कुछ तो आपने मेंशन किया अनुज लेकिन स्पेसिफिकली किस पर ध्यान देखिए मेरा आज का नंबर वन बिग स्टॉक हस्टा रहेगा और फार्मा आई थिंक मैं इसको ग्रीन लेकर चल रहा हूँ और बिंदो फार्मा में कल शॉर्टिंग हुई है एक बार कल का इसका चार्ट अगर दिखा दें और बिंदो का हाँ ये देखिए कल ये डेलो पर बंद हुआ है और मेरा एक ये मानना है कि फार्मा में बॉटम बन चुका है और फार्मा में अच्छी रैली आ रही है अच्छा औरबिंदो का एक बार एक महीने का चार्ट और देख लेते हैं क्योंकि कल कल ये स्टॉक नीचे आया इससे पहले स्टॉक में ठीक ठाक रैली बन रही थी आई थिंक कल लोगों ने थोड़ा इसको शॉर्ट किया है नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे दो प्रोक के मैं व्यूज़ देख रहा था बोफा ने थर्टीन का टारगेट दिया है गोल्डमैन ने थर्टीन का टारगेट दिया है और मार्जिन ट्वेंटी आया है और एक चीज़ है कल इन्होंने कौन कॉन में एक चीज़ बोली है वो मग की डील को लेकर वो मुझे लग रहा है कि मार्केट को शायद पसंद आएगी मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है ठीक है ना बाकी जो मार्केट का वर्डिक्ट होगा उसको देखेंगे क्योंकि ये स्टॉक बड़ा अजीब है कई बार अच्छे नंबर पर गिर जाता है ख़राब नंबर पर चल जाता है फार्मा में कई बार ऐसे होता है कल ग्लैंड खराब नंबर पर भी चल गया क्योंकि गाइडेंस अच्छी थी तो इसके लिए लेकिन इसको मैं अभी के लिए ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ औरबिंदो फार्मा को ठीक है दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन पर लेकर चल रहा हूँ वो है नैल्को हालांकि नैलको के केस में एक चीज़ मैं कहूंगा एक स्टॉक जो बैंक से इन आउट करता रहता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बैंक से आज ही बाहर आया है नैलको लेकिन नंबर्स ठीक ठाक हैं नैलको के मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बाद इनका सबसे ज़्यादा एबिडा आया है और रेवेन्यू फ्लैट रहा है हालाँकि लेकिन कमोडिटी कंपनीज में रेवेन्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आप कितने में एक शीट बेच रहे हैं या एक ब्रिक बेच रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप उससे कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है ठीक है ना तो एबिडा 44 परसेंट बढ़ा है इनका और मुनाफा 100 परसेंट बढ़ा है तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो एक काफ़ी पॉजिटिव मेरे को लग रहा है कि रहेगा इसके लिए ये इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ तो आज हमारे दो बिग स्टॉक्स हो गए आज ज़्यादा नहीं है औरबिंदो फार्मा और नैल्को रोफामा और साथ ही साथ नैलको ये दोनों काउंटर्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए तो ये आपके लिए सेटअप या आपके लिए खास स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई कर दी और आपको ये भी बता दिया है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए आज का ट्रेड किन लेवल्स पर आपने बैठाना है चलिए अब मंच खोलते हैं हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं आज हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश काबा मानस जायसवाल राजेश सातपुते आशीष बहेती और कविता जैन आप सभी का स्वागत है काबा जी मंगलवार का दिन बताइए आज का ओपनिंग ट्रेड टॉप कॉल क्या रहेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग मंगलवार का दिन शुभ ही होगा आज का जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गोदरेज कंज्यूमर डिफेंसिव बैटर बिल्कुल स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है करेक्शन आया है वो भी खत्म हुआ और दो चार दिन से लग रहा है स्टॉक सेफ्टी मार्जिन है इससे चुपने की जगह ट्रेड कराएगा तेरह सौ अट्ठाईस के आसपास गोदरेज कंज्यूमर तेरह सौ पंद्रह का स्टॉप लगाना चाहिए कुछ तेरह रुपए का स्टॉप है टारगेट होगा 1360 सिक्सटी टू थर्टीन सेवेंटी ये एक जोन है मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए तो ध्यान देना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर डिफेंसिव बैट ओके okay, गोदेश कंज्यूमर ये रही गाबा सर के पिक कविता जी गुड मॉर्निंग कविता जी आपके पिक क्या रहेगी वेरी गुड मॉर्निंग अनु जी गुड मॉर्निंग एवरीवन वेल मेरा ट्रेड है एस्ट्रल पर्ल ब्रेकआउट अच्छा दिया आ, है कल टू वन सेवन फोर का क्लोजिंग है काउंटर का आई बिली बाईस सौ पैतालीस बाईस सौ सत्तर के प्राइस टारगेट के लिए आप एस्ट्रल पर एक बाई ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस में करना चाहिए टू वन फोर फाइव का में अब देखिए नतीजों के बाद अच्छा खासा करेक्शन और उसके बाद एक तरफा रिकमेंडेशन तेजी की बन रही है खरीदारी का यह कॉल इधर आ रहा है मानस गुड मॉर्निंग बताइए कहा तो खरीदारी करने की राय रहेगी देखिए पीएनबी कंसोलिडेट हो रहा था लेकिन कल के पैटर्न को देख के लग रहा है इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर आया है क्लोजिंग देखने को मिली है और सबसे ये कि बैन के बाहर एक सौ सत्ताईस के, के, तो के, के स्टॉप लगाने हैं और एक सौ तैतीस रुपए के टारगेट पीएनबी में आप सेट कर सकते हैं ये कैश लेवल्स हैं अगर चाहे तो ऑप्शन में जून मंथ के एक सौ तीस वाले कॉल ऑप्शन में भी ध्यान दे सकते हैं आठ रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी तो वहां पर मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं सात रुपए का सात रुपए के नीचे आपको लगा के खरीदारी करनी है पीएनबी एन बी के एक ओके पीएनबी का जून का कॉल ऑप्शन लें इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मई के ऑप्शन अब फिजिकल डिलीवरी की वजह से आप ट्रेड कर पाएंगे नहीं आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग आपकी ट्रेड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग

फर्टिलाइजर अब जैसे जैसे मॉनसून पर कमेंट्री और बेहतर रहेगी शायद इस भी और रेडार पर आएंगे के के तेजी का आशीष बहती ने पिक किया है राजेश टॉप कॉल वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग हर्षदा जी देखिए नजर जो है वो है इंडियन के चार्ट मुझे लगता है कल एक एक्सीलेंट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है

निजी क्षेत्र की बैंक कल इंडस बैंक में अच्छी हरकत दिखाई दी थी और नतीजे को लेकर के भी जो हमारा आकलन है आने वाले समय में वो काफी सकारात्मक नजरिया हमारा है 1850 से लेकर के 1900 के लक्षांक निर्धारित किए हैं ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ बुनियादी तर्क के आधार इंडस बैंक और वैसे भी निजी बैंकों में एक तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है तो गौरांग को ये इस समय पसंद है चलिए आपके लिए मैं सारे वो ट्रेड कैप कर देती हूँ और फिर आगे आज की खबरों वाले शेयरों पर आएंगे तेजी की तरफ ही सारे हमारे जानकार फिलहाल कर रहे हैं फोकस रावा साहब ने पिक किया है गोदरेज कंज्यूमर जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी के समय बन रही है टारगेट इनका 1360 से 1370 का है 1315 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे एस्ट्रल पर भी एक कॉल आया है जहां पर 2245 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है 2145 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह 130 के टारगेट पर मानस पुलिस है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर वन के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा फिर आए हैं हम चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करने 416 से 425 तक जा सकता है स्टॉक या आशीष बहती पिक कर रहे हैं 400 का स्टॉप लॉस और इंडियन होटल्स 600 के लिए एक मौका राजेश जी ने पिक किया है राजेश सातपुते का ये ट्रेड है आज का और गौरांग शाह कह रहे हैं कि इंडस्टिन बैंक में आपके लिए एक भरपूर मौका दिखेगा तेज़ी करने का तो ये फ़िलहाल टारगेट और एटीन से नाइनटीन के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ये सभी हैं वो काउंटर्स जिन पर आपने ध्यान देना है जहां पर आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो ये आए वो आज के टॉप कॉल्स लेकिन चलिए अब खबरों वाली शेयरों की चर्चा करना शुरू करते हैं और आज का दिन दरअसल ब्लॉक डील्स वाला बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें